गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आप लोगों को कच्चे केले का छिलका का एक रेसिपी बताऊंगी, केले का नहीं, केले के छिलके का। जब सब्जी बनाते हो तो आप लोग केला का छिलका काट के फेंक देते हो ना, आज के बाद ये रेसिपी देखने के बाद आप छिलका को नहीं फेंकोगे। तो इसलिए मैं पहले केले का छिलके को अच्छे से धो लूँगी। मैं ना केले का सब्जी बनाई थी आज, तो उसका छिलका मैं फेंकी नहीं हूँ, अभी उसका सब्जी बनाऊंगी, तो इसको पहले अच्छे से धो लूंगी। तो मैं छिलके को बहुत अच्छे से साफ पानी से धो ली हूँ, अब इसको थोड़ा सा पानी डाल के उबालूंगी। तो इंडक्शन को चालू कर दी हूँ, अब इसको उबलने दूंगी। उससे पहले इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालूंगी। हल्दी पाउडर डालने से केले का छिलका काला नहीं पड़ेगा। जब तक छिलका उबलने के लिए बैठा रही थी, तब तक मैं लहसुन छील ली हूँ एक ठो और तीन ठो हरी मिर्ची निकाल ली हूँ। अब देखिए मेरा छिलका भी उबल गया है, अब इसका पानी फेंक दूंगी। अब मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ गैस में, कढ़ाई गर्म हो गया है। अब उसमें थोड़ा सा सरसों तेल डालूंगी, एकदम ही थोड़ा सा डालूंगी क्योंकि छिलका भी हमारे पास थोड़ा ही कमी है, तो थोड़ा सा ही तेल डालूंगी। और इसमें मैं सरसों तेल डाल रही हूँ, आप चाहे कोई भी तेल, रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। अब तेल गर्म हो जाएगा, उसके बाद मैं इसमें डालूंगी जीरा। कोई कड़ायत भी डालते हैं, लेकिन मुझे कड़ायत का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैं जीरा डालती हूँ। मुझे जीरा का भुना हुआ जीरा का टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जीरा को थोड़ा सा लाल लाल होने दूंगी, उसके बाद डालूंगी इसमें लहसुन का, जितना लहसुन में छील के रखी थी उतना ही। ये देखिए अब लहसुन को अच्छे से भून ली हूँ मैं लाल लाल होते तक। इसके ऊपर मैं डाल लूँगी केले का छिलका जो मैं उबाल के रखी थी, इसका पानी फेंक दी हूँ। अब इसको अच्छे से भून लूँगी, थोड़ा सा हल्दी मिर्ची नमक डाल के। अब इसको अच्छे से थोड़ा थोड़ी देर भून लूँगी। अभी लगभग ये भुना गया है, अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखिए प्लेट में निकाल के अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने दूँगी, क्योंकि इसको मेरे को पीसना है, तो ज़्यादा गर्म रहेगा तो पीस नहीं सकती। तो देखिए इसको ठंडा करके अब जार में डाल के मैं पीस लूँगी इसको। इसको बहुत लोग बहुत सारे तरीके से बनाते हैं, ये देखिए पीस ली हूँ। अब मैं कढ़ाई में फिर से थोड़ा सा सरसों तेल दूँगी, एकदम थोड़ा सा। अब उसमें मैं राई दूंगी, जिसको बोलते हैं सरसों। तेल गरम हो गया, अब मैं इसमें सरसों डाल दी हूँ। अभी इसमें पीसा हुआ केले का छिलका डाल दूंगी। छिलके को एकदम टेस्ट, अच्छे से टेस्ट बनाना है इसका। अब इसको थोड़ी देर भून लूँगी, तो हमारा तैयार हो जाएगा केले का छिलके का रेसिपी। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, ये देखिए। तो आज का वीडियो को यही ख़त्म करती हूँ। आप लोग भी केले का छिलका को बिल्कुल मत फेंकना, इसी तरह से एक रेसिपी बना के देखना कैसा लगता है। बाय बाय।